नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ न्यायिक सेवा समानता संघर्ष मोर्चा के दो दो संयोजक बैठे हुए हैं। दोनों ने बड़ा संघर्ष किया है, एक आशीष पटेल जी हैं, एक रामकरण निर्मल जी हैं। तो हम आशीष पटेल जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत क्यों की और अभी तक कितना संघर्ष वो कर चुके हैं। सर, हम लोग उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के प्रतियोगी छात्र हैं। यहाँ पे मुख्य परीक्षा, यहाँ के सिलेबस में बड़ी जो है विसंगतियाँ हैं। यहाँ पे जो है मुख्य परीक्षा में भाषा के प्रश्न पत्र में केवल अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया गया, हिंदी का कोई स्थान नहीं है। यहाँ 200 नंबर की स्कोरिंग हिंदी पूछी, इंग्लिश पूछी जाती है और पूरा प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा काम हिंदी में होता है और यहाँ के होने वाले जज को हिंदी के बारे में कोई ज्ञान ना हो, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। पूरे सिलेबस में स्थान नहीं है। 2003 तक उर्दू होती थी, 2003 में 50 नंबर की उर्दू को हटा दिया गया, तब से इंग्लिश ही है। तो और दूसरा है यहाँ पर अटैम्प्ट की बाध्यता। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ केवल अटैम्प्ट की बाध्यता है और किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। तो भाषा का जो है, भाषा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जो भी अन्य हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी स्थान दिया गया है, लेकिन अन्य जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, असम में असमिया है, बंगाल में बंगला, पंजाब में गुरमुखी। तो यहाँ जो भेदभाव हो रहा है कि किसान, मध्यम वर्ग, निम्न वर्गीय बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से बहुत पिछड़ जाते हैं और उन्हीं को अंग्रेजी माध्यम के जो है छात्र चयन हो जाता है, उनका चयन हो रहा है। ये अनुपात 2015 की जो है 197 वैकेंसी आई थी उनमें घट के जो है 27-28 तक पहुंच गया और जो 2016 में वैकेंसी आई, 2018 217 वैकेंसी आई, उसमें भी जो है यही अनुपात जो है लगभग 20 के पहुंच गया आसपास। हिंदी माध्यम के छात्र इंटरव्यू तो बहुत देते हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनका केवल और केवल अंग्रेजी के कारण रुक जाता है, सबसे कम नंबर उनके होते हैं। इसी कारण इस बार जो परीक्षा फल आया, जो रिजल्ट घोषित किया गया, अंक जारी किए गए, तो उसके आधार पर यह आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, अपनी मांगों को लेकर आप अभी तक क्या क्या प्रदर्शन कर चुके हैं और किन लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं? अब हमारी मांगों, 7 दिसंबर को पहली बार हमने लोक सेवा आयोग का घेराव किया और वहाँ के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया और उसके बाद जो है हम लोगों ने 12 जनवरी को हाईकोर्ट की तरफ मार्च निकाला। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से हाईकोर्ट तक मार्च निकाला जिसमें प्रदेश भर से हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ इकट्ठा हुए और वहाँ पे हमने जो है वहाँ एडीएम को प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल के नाम से जो है हमने ज्ञापन दिया। उसके अलावा हम लोगों ने व्यक्तिगत मिलके जो है दोनों उप मुख्यमंत्री जी और सिद्धार्थ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ जी, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी, विधि मंत्री ब्रजेश पाठक जी, विधि राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी को सबको ज्ञापन दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हमने 17 दिसंबर को हमने बार बार उनसे मिलने का समय मांगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके ऑफिस से हमें समय नहीं मिला, तो हमने 17 दिसंबर को उनके जनता दरबार में उनके ओएसडी शुभ्रांशु शुक्ला जी को हमने अपना ज्ञापन दिया। अच्छा, रामकरण निर्मल जी, आप लोग इलाहाबाद में लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, दिसंबर से आपने ये प्रदर्शन शुरू किया, लखनऊ आने की क्या वजह है आपकी? लखनऊ में क्या आप कोई किसी रणनीति के तहत आए हैं, यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि हमारे साथी आशीष पटेल जी ने बताया कि हमारे जो पृष्ठभूमि है, क्यों आंदोलन शुरू हुआ उसको लेकर, जब हम लगातार 55-60 दिनों से हम आंदोलनरत हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि वर्तमान में भी 8 तारीख से यहाँ विधानसभा सत्र चलने जा रहा है, तो जो प्रदेश के प्रतियोगी छात्र हैं उनसे राय मशवरा कर करके हमने तय किया कि 12 तारीख को, 12/2/2018 को 12 बजे हम विधानसभा के पास जो GPU है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, वहाँ एकजुट होंगे। इसको लेकर के हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं कि हम विधानसभा में अपनी बात पहुँचा सकें और जो हम इस दौरान हमारी जो रणनीति होगी कि हम किस प्रकार इसको तैयारी करेंगे, तो हम यहाँ जो कोचिंग संचालक हैं उनसे मिलेंगे, वहाँ के छात्रों से मिलेंगे, यहाँ विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वहाँ जाएंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय जाएंगे, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जाएंगे, प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र लखनऊ में रह रहे हैं उनसे हम व्यक्तिगत मिलेंगे और जो अन्य जिलों में रह रहे हैं जैसे बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, उन साथियों से आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन में वो भारी भारी संख्या में एकजुट हों। अच्छा, अभी आपने दोनों छात्रों की बातें सुनी, प्रतियोगी छात्र हैं, न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उस उनकी बातों को सुन के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सरकार की कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क होता है। ये सरकार हमेशा हिंदी की बात करती है, हिंदू की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को आपने एक बड़ा तिरंगा यात्रा भी निकाली, तो गणतंत्र दिवस के दिन भी उनकी बात को नहीं सुना गया और लगातार वो प्रदर्शन के मोड में है। हमें
कुछ कहना चाहते हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है माननीय विदेश मंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहती हैं। विश्व स्तर पर वो 129 देशों का समर्थन जुटा रही हैं, पर सबसे बड़े प्रदेश जो प्रदेश है हिंदी भाषी प्रदेश, वहीं पे वहाँ भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और वो हिंदी को बढ़ावा देती है। वो पार्टी कहती है कि हम हिंदी को बढ़ावा दें, लेकिन हमारी हिंदी को यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया। और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी 16 दिसंबर को वो इलाहाबाद में आए थे हाईकोर्ट कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा था कि बहस निर्णय स्थानीय भाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने खून से भी लेटर लिखा, हम लोगों ने इससे खून से लेटर लिख के भी भेजा, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप खुद देखिए, और हम उम्मीद करते हैं इस नेशनल जनमत के माध्यम से कि सरकार तक आवाज पहुंचेगी। और जो विरोधाभास है सरकार के अंदर कि बात हिंदी की करते हैं लेकिन हिंदी को लागू भी नहीं करते हैं, वो इसको जल्द से जल्द कदम उठाएंगे। तब तक आप देखते रहिए नेशनल जनमत। धन्यवाद।